इंदौर को अखाड़ों का शहर कहा जाता है, जिसकी पहचान तब दिखती है जब नैनाभिराम झांकियों के साथ इन अखाड़ों के पहलवान अपने जोहर दिखाते हैं। इसी श्रृंखला के बीच एक अखाड़ा ऐसा है जो पिछले 7 साल से नंबर वन आ रहा है और इस अखाड़े का नाम है छोगालाल उस्ताद व्यायामशाला, जहां पर एक बार फिर अखाड़ों को सफलता मिलने पर उस्ताद और खलीफाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। देखिए इसे पर हमारी खास रिपोर्ट। इंदौरवासी जानता है कि यहाँ के अखाड़ों की रौनक पूरे देश ने देखी है, जिसका जिक्र फिल्मों तक में किया गया है। इसी कड़ी में शामिल है शहर के नाथ तोड़ा में स्थित छोगालाल उस्ताद व्यायामशाला, जिसकी स्थापना 86 साल पहले हुई थी और इसका संचालन छोगालाल उस्ताद के हाथों में आया था। वहीं इनके मरणोपरांत अखाड़े की कमान पृथ्वीराज उस्ताद के हाथों में आई, जिनके सानिध्य में यह अखाड़ा दिनों दिन तरक्की कर रहा है और अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाले 12 समारोह में 7वीं बार नंबर वन का खिताब हासिल किया है। इस अखाड़े की स्थापना सन 1933 में हुई थी और 1933 से यह अखाड़ा निकलता आ रहा है। फिर उसके कुछ सालों बाद हम तो जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, फिर करीबन 85 साल से इस अखाड़े का पुराने जो उस्ताद थे वो तो हमने देखा भी नहीं है ना किसी ने देखा, मगर कुछ लोगों ने है ना समझदारी करके बोले यार इस अखाड़े को संचालन कौन कर सकता है, तो बोले एक ही नाम है और छोगालाल उस्ताद। तो फिर सबने मिलकर छोगालाल उस्ताद को इस अखाड़े का उस्ताद बनाया था। तो आज तकरीबन 85 साल से ये अखाड़ा लगातार चला आ रहा है। कुछ समय पहले ये 12/11 के दिन निकलता था, उसके बाद में फिर अनंत चौदस का विसर्जन का जो कार्यक्रम देखा रात रात भर मेला का, तो उस्ताद बाबा को हमारे भंडारी मिल के उनके बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने बोला उस्ताद हमारे अखाड़े में लगाया करो, तो फिर उस्ताद ने भंडारी मिल से इस अखाड़े को स्टार्ट करा था। और ये अखाड़ा निरंतर एक इंदौर की आन बान शान का प्रतीक है और 1978 में उस्ताद बाबा का स्वर्गवास हुआ था। 1978 से इनके उत्तराधिकारी के रूप में पृथ्वीराज उस्ताद को इनका सापा बांधा गया, जब से ये इनका नेतृत्व कुशल संचालन करते आ रहा और इस अखाड़े को 4 चांद लगा और इस अखाड़े को बहुत गति दी है इन्होंने। इस अखाड़े को हमेशा निरंतर आगे बढ़ाता रहा और अभी 2014 से ये अखाड़ा निरंतर 7 साल से
प्रथम आर्य है और इसने आप इस साल जो 7 स्टार की उपाधि प्राप्त की है। मैं इसी खुशी में आप इंदौर वासियों को और निर्णायक कमेटी को धन्यवाद देता हूँ और इस अखाड़े का संचालन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं पृथ्वीराज उस्ताद खलीफा श्यामलाल जी सांकला, इस ट्रस्टी के बहुत भी कुछ हैं यासीन बाबा के पुत्र यूसुफ बाबा, ये बहुत से लोग इस अखाड़े का संचालन करते हैं और अच्छा नेतृत्व करते हैं और इस अखाड़े को बराबर लेके चलते हैं। छोगालाल उस्ताद आज पहलवानों की वह कर्मस्थली बन चुका है जहां पर उनका निर्माण प्रशिक्षित और ज्ञानी उस्ताद खलीफाओं की मौजूदगी में हो रहा है, जिसको खुद पहलवान रोहित पिपले ने बताया कि किस तरह से उन्होंने अखाड़े को नंबर 1 लाने के लिए अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में अभ्यास किया। इस बार जो निर्णायक कमेटी ने 2 हाथ के बनेटी और 1 पटे का खेल दिया था, जिसपे हम लोगों ने बनेटी पे करतब कराए और पटे पे करतब कराए। बनेटी में हमने हमारे उस्ताद जी थे जो 2 साल से जो कोविड के कारण जो सब बंद रहा और जो चल समारोह निकल पाए और जो भी प्रशासनिक कार्य जो भी थे जो कार्यरत थे, जैसे हमारी पुलिस डॉक्टर्स और हमारे सफाई कर्मचारी निगम कर्मचारी, इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए हम लोगों के लिए काम किया, अपनी जान दी। तो हमारे बड़े पापा जो उस्ताद जी, उन्होंने यही बोला था कि अपने को जो कोविड में जो एक्सपायर हुए हैं, जो भी इन्होंने खुद की जान की परवाह नहीं करी और हमारे लिए काम किया, उनको सलामी देना, श्रद्धांजलि देना खेल के, क्योंकि हमारी व्यायामशाला में सिर्फ खेलना नहीं बताया जाता, एक तरह का मैसेज भी देता जाता है कि आप क्या अपने खेल के द्वारा बता सकते हो या कुछ अच्छा मैसेज। तो जो उस समय के जो जून इंदौर के TI साहब थे चंद्रवंशी जी, उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित करी, पंजवानी डॉक्टर साहब थे उनको दी, और हमारे निगम कर्मचारी थे हमारे करोसिया जी, उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित करी है, क्योंकि उन्होंने उनकी जान की परवाह न करते हम लोगों की लिए सेफ्टी के लिए काम किया था। और उसके बाद में फिर इंडिया ने जो सब देशों की मदद करी थी जो उस तरह से कैपेबल नहीं थे, तो वैक्सीन्स वगैरह पहुँचाई थी, तो हमने हमारे खेल के द्वारा बताया था, जिसके कारण प्रशासन ने हमारे खेल को प्रोत्साहन करता हुआ हमें बनेटी फर्स्ट नंबर दिया है। और जो हमारा पटे का खेल था वो भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत शानदार हुआ, और जो छोटा वाला भाई था पंकज वो खेला था उसमें। मैं यही मोटिवेशन देना चाहूँगा कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो फिर आप आगे भी चल पाएंगे, खेल पाएंगे। तो बस ये है कि नशे से दूर रहें, ये सब चीज़ हमारे अखाड़े में खासकर तो इस पर ध्यान दिया जाता है कि कोई बच्चा नशा तो नहीं कर रहा, कुछ तरह की गतिविधि भी तो नहीं है, क्योंकि हमारे तो बड़े पापा यही है उस्ताद जी और हमारे गुरु जी मोतीलाल जी गुलेरिया, ये सबसे पहले दमखम ही देखा जाता है, क्योंकि 3 मिनट वहाँ पर फिराना मतलब फेफड़े मुँह में आ जाते हैं कई बच्चों के, तो 3 मिनट तो हमारे गुरु जी कम से कम तो 4-4 मिनट फिरवाते थे कि भाई खेलना है मतलब खेलना है, तो 3 मिनट हमारी स्पीड एक तरह की रहती थी, बाकी कई बच्चे खेल नहीं पाए। एक्चुअली ये भी था कि 2 साल से कोई प्रैक्टिस पता नहीं, पर हमारे बड़े पापा जी उस्ताद जी ने हमको पहले से ट्रेनिंग पे करवा देते कि आपको खेलना है बेटा, अच्छा से खेल भी करना, श्रद्धांजलि भी देना। हमारे गुरु जी थे मोतीलाल जी गुलेरिया, उन्होंने हमको पूरा सिखाया, और हमारे जो खेल के कोरियोग्राफर थे वो हमारे बड़े भैया थे नीलेश भैया और जित्तू भैया, तो इन्होंने हमको पूरा ट्रेंड करके और पूरा एक पिक्चराइजेशन करके कोरियोग्राफ करके पूरा खेल खिलवाया। वही अखाड़े की सफलता को लेकर उस्ताद पृथ्वीराज पिपले बताते हैं कि इस मुकाम तक लाने में हर वर्ग के व्यक्ति का उन्हें सहयोग मिला और इसी श्रृंखला को वो आगे भी जारी रखेंगे। छोकरा उस्ताद व्यायामशाला 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ था, उसमें 2 साल से अखाड़ा निकला नहीं था, इस साल बहुत जोश था और सभी बच्चे लोग बड़ी मेहनत से 1 महीने से रिहर्सल कर रहे थे, और छोकरा जी उस्ताद व्यायामशाला जो 85 साल से पुराना अखाड़ा है, ये पूर्व हमारे छोकरा जी उस्ताद पिताजी हमारे निकालते थे, और ये अखाड़ा हिंदू मुस्लिम मिलकर सब मिलकर इसमें सहयोग करते हैं, सभी रात भर चलते हैं, बड़ी जोश और सोच के साथ इस साल आपकी बच्चों ने मेहनत करी, बड़ी जोश के साथ मेहनत करने के बाद फल मिला है, इसलिए इस साल बरेडी में 1st नंबर अखाड़ा आया है। और मैं सभी जनता प्रेमियों से और जो अखाड़े के कलाकारों से उनका सबका इसमें सहयोग था, इनका वो पूरा रात भर दिन भर बेचारा लगे रही है, उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं पृथ्वीराज उस्ताद छोकरलाल जी उस्ताद व्यायामशाला का लड़का हूँ, और ये 7वीं बार अखाड़ा 1st नंबर आया है इस साल, 2 साल गैप हो गई इसमें। वहीं आज आयोजित सम्मान समारोह में उस्ताद पृथ्वीराज पिपले, संरक्षक राजकुमार पिपले, खलीफा श्यामलाल सांकला, यूसुफ बाबा चौहान, अनिल पिपले, संजय पिपले, अखाड़े के ट्रस्टी गणपत यादव, कोच मोतीलाल गुलेरिया मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।